सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में भी आपको हिप हॉप का अपडेट दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे रायचू भाई के बारे में। तो रायचू भाई का कलमिंग भाई के साथ जो ट्रैक आने वाला था मेमोरीज, उसका डेट अनाउंस हो चुका है जो की है 29 सितंबर, आप लोग देख सकते हो। तो अभी देखते ट्रैक कैसा होता है। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेंगे हसल 2.0 का कंटेस्टेंट क्यूके के बारे में। तो क्यूके इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे और लाइव आकर रफ्तार भाई, कृष्णा भाई, एमए भाई, स्टैन भाई को लेकर बात करे थे। तो आप लोग देख लो क्या कहे। रफ्तार भाई कब आएंगे असल में, पूछ के आती हूँ मैं। बट ऐसा आने चाहिए ना एक बार, तो ऐसे विजिट देनी चाहिए। मेरे को लगता है जैसे अभी आ रहे हैं इक्का पाजी आके गए। मैं नहीं बताऊंगी, बट हाँ रफ्तार भी आने चाहिए ना। आई विश आ जाए। मैं तो उनको बताऊँ, एक जमाने में इतना गहरा क्रश था मुझे रफ्तार पे। मैंने बोला था ऐसे, मतलब कुछ लिखा था जो मुझे उनको सुनाना है, मतलब इनकेस ही कम्स ना, इनकेस जस्ट इनकेस, कांट वेट कि मैं उनको सुनाऊ। राह गलती नाम की है, नाम में ही तेजी है, रफ्तार बंदा बहुत ज्यादा क्रेजी है। But baby, I'm never gonna sing in a crazy flow. अंतर्राष्ट्रीय स्वैग मेरा देसी है। चांगला करता है नववारी नाद मन कहीं तेरी ऐसा चाला होता। जब नववारी रिलीज हुई थी तब हुआ था, तब म्यूजिक वीडियो तो तब बात हुई थी स्टैन से मेरी। तो जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ पर्सनली तो मुझे काफी अच्छे लगे वो। बेसिक नेचर जो रहता है ना लोगों का, वो तो तुम लोग को तब पता चलता है जब तुम उनके साथ में और ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। तो मैं ऐसे कभी पर्सनली मिली नहीं हूँ, तो आई कैन नॉट टेल कि कैसे। अरे कमेंट्स किसी ने पूछा है एमवी और कृष्णा, तो ये सवाल बहुत अटक गई है आरजे, इसका कोई जवाब ही नहीं दे सकते हैं हम। मतलब सभी पसंद है यार। सी इफ यू सी जो एमवी कर रहा है वो भी बहुत खूबसूरत है, और कृष्णा वर्ड प्लेस भाई यू नो राइट। मतलब आई वाई बॉन बोथ एमवी एंड कृष्णा। ऐसा नहीं कि मैं एमवी के हर गाने सुनती हूँ, ऐसा नहीं मैं कृष्णा के हर गाने सुनती हूँ, लेकिन कुछ गाने ऐसे जो मैं एमवी के सुनती हूँ लाइक ओके दैट्स गुड, एंड कुछ गाने कृष्णा के सुनती हूँ। ऐसे मैं हर एक आर्टिस्ट को सुनती हूँ, देयर इज नो प्रेफरेंस कि हाँ मैं इनको ही ज्यादा सुनूंगी या इनके ही। मेरे प्लेलिस्ट में लेजिट कृष्णा का भी गाना है, एमवी का भी गाना है। आई कैन से कि ऑफकोर्स रफ्तार का तो ऑफकोर्स है, बहुत बहुत सीधे मौत के गाने हैं मेरे इसमें। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेंगे इक्का भाई के बारे में। तो हसल के तरफ से इंस्टाग्राम पर एक वीडियो आया है जिधर इक्का भाई बताता है कि इक्का भाई स्टेज नेम कैसे रखा इक्का। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके चेक कर लेना। सो गाइस इस वीडियो तो इतना ही, मिलता है सर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।